फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र पटेल स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लब एकेडमी टेक में। आज हम करने वाले हैं रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला यदि 28 नवंबर 1995 को क्या था, गुरुवार था, तो 28 नवंबर 1997 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो हमें डेट नहीं, इस तरह के क्वेश्चन जब हों सेम डेट वाले कुछ नहीं करना होता है। करने का सिर्फ आसान तरीका है कि जितने जैसे 1995 है या फिर 1997, कितने साल का अंतर है, 2 साल का अंतर है, तो हम दिन में जैसे ये कौन सा दिन था, गुरुवार था, तो गुरुवार में 2 ऐड कर देंगे। और हमें यह ध्यान देना होता है कि जैसे 95 से 97 के बीच में कोई लीप ईयर नहीं होनी चाहिए। जैसे 95 से 97 के बीच में 1996 लीप ईयर है। 96 लीप ईयर है, क्यों लीप ईयर है, क्योंकि इसमें 4 का डिवाइड होता है, ठीक है, इसलिए लीप ईयर है। फिर लीप ईयर की वजह से एक दिन इसमें और बढ़ जाए, क्योंकि जो लीप ईयर में फरवरी होती है कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है, तो यहाँ पे एक दिन और ऐड हो जाएगा। तो गुरुवार में हम 3 ऐड कर देंगे, हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, गुरुवार, शुक्र, शनिचर, रवि, रविवार हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमारा क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको हम कैसे, एक बार और आपको बता रहे हैं कि हमने +1 क्यों किया, क्योंकि आप जानते हो कि ये सामान्य ईयर है। सामान्य ईयर किसे बोलते हैं, जिसमें 365 दिन हो, और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। सामान्य ईयर में एक क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि जब इससे आप जानते हो कि प्रत्येक 7 दिन के बाद सेम डे आता है, मतलब समान दिन, प्रत्येक 7 दिन के बाद क्या आता है, समान दिन आता है। 7 का हम डिवाइड इसमें करेंगे, 5 बढ़ जाएगा, और 7 × 7 = 14 = 1, ये रिमाइंडर एक बचा, जो शेष फल एक बचा है, उसी इसी की वजह से हम यहाँ पे +1 करते हैं। ठीक है, प्रत्येक ईयर से, ईयर के बाद जैसे 95 से 97 जाना है, तो एक तो दोनों में बढ़ेंगे ही, 2 साल के बीच के अंदर 2 साल तो बढ़ेंगे ही, 1 और 2, ठीक है, 95 से 97 के बीच 2 का अंतर है, 2 साल तो यहाँ पे 2 दिन बढ़ेंगे ही। और 95 से 97 के बीच में ये भी देखना पड़ता है, जैसे कोई भी जीव संख्या के बीच में ये भी देखना पड़ता है कि वो लीप ईयर ना हो, लीप ईयर में, क्योंकि 300 कितने दिन होता है, 66, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 5 बार जाएगा और 14, तो 7 × 14 बचेगा, इसका कितना रिमाइंडर बचेगा, +2, इसलिए हम यहाँ पे 2 जोड़ते हैं। ठीक है, तो 1995 के लिए 2 जोड़ा, 1997 के लिए 1 जोड़ा, ठीक है, तो यहाँ इसलिए हमने इसमें 3 जोड़ा और हमारा राइट आंसर आ जाएगा रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक निश्चित पूर्णांक में यदि सीरीज को इतना लिखा जाता है और GUN को इतना लिखा जाता है, तो जीनियस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या किया है उसने, कुछ जो जो जिस लेटर का कोड जो दिया है उसी लेटर का सेम कोड हमें लिखना है। जैसे सीरीज को उसने 7 दिया, S का 7 दिया है, E का 2 दिया है, I और R का 4 दिया है, I का 3 दिया है, E का 2 दिया है, S का 7 दिया है, और इसी तरह G का क्या दिया है, 9, U का 5 और N का 1, ठीक है, तो जीनियस का हमें निकालना है, जीनियस का हमें निकालना है, तो जी कितने नंबर, जी का कोड क्या है, जी गन, जी का कोड क्या है, 95 से 9, जी का हो जाएगा 9, ई ये रहा दूसरे नंबर में, ई का कोड क्या है दूसरे नंबर में, 2,
एन का कोड है, एन का कोड अब क्या है, गर्मी है एक, ई का कोड क्या है, ई का कोड ये रहा है ई दो, एस का कोड क्या है, एस का कोड सात, आई का कोड क्या है, आई का कोड है हमारा तीन, आई का कोड क्या है तीन, एस का कोड कितना था सेवन। तो अब हमारा ये राइट आंसर निकाला है, हमारा राइट आंसर क्या होगा, नौ दो एक दो सात तीन सात, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पांच वस्तुएं बल्ला गेंद मेज कुर्सी और पंखा को एक के ऊपर एक रखा गया, आवश्यक नहीं कि वो इसी क्रम में हों, पंखे के चार स्थान ऊपर बल्ला है। तो सबसे पहले हम पंखे के चार स्थान ऊपर क्या है, बल्ला है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पंखे के चार स्थान ऊपर क्या है, बल्ला है। आगे क्या बोल रहा है, मेज गेंद और कुर्सी के बीच में है, जो मेज है हमारा इसके बीच में है, गेंद और किसके बीच में है, गेंद और कुर्सी के बीच में है, तो बीच में है, उसने ये तो नहीं कहा कि मेज के ऊपर गेंद है या मेज के नीचे कुर्सी है। तो हम दूसरी तरह से इसको दूसरा प्यार ये भी बना लेंगे, ये हो गया मेज, इसके ऊपर कुर्सी कर देंगे और इस नीचे गेंद कर देंगे, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। आगे पढ़ेंगे, कुर्सी बल्ले से तीन स्थान नीचे है, जो बल्ला है उससे कुर्सी कितने स्थान नीचे है, तीन स्थान, तो ए पहला ये हुआ था, दूसरा ये, तीसरा ये, तीन स्थान नीचे है, तो तीसरे नंबर में आ जाएगा क्या, के आ जाएगा, तीसरे स्थान पर क्या है, के है, कुर्सी बल्ले से तीन स्थान नीचे है, ठीक है, के आ जाएगा यहाँ पे, कौन सी वस्तु सबसे ऊपर से दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पे दो जगह खाली बची, और तो हमारा देखो ये वाला तो रख नहीं सकते क्योंकि के नीचे एम जी, के नीचे तो यहाँ पी है, तो हम ये वाला ही, पहला वाला ही पुट करेंगे क्योंकि ऊपर ही एम जी है, यहाँ पे एम हो जाएगा और यहाँ पे जी हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, कैसा बनेगा, अच्छे से बोल दे रहे हैं, बी जी एम के पी, ये हमारा पेयर हुआ। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी वस्तु ऊपर से दूसरे स्थान पर है, सबसे ऊपर बॉल है, फिर नीचे क्या है, गेंद, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही है, स्टेप बाय स्टेप करिए आप और अपने आप क्वेश्चन होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम अक्सर एग्जामिनर बच्चे का टाइम वेस्ट करने के लिए पीछे दे देता है, ताकि बच्चे लोग आगे से करने के चक्कर में चारों ऑप्शन चेक करें, इसलिए हम इसको कहाँ से चेक करेंगे, पीछे से, पीछे वाला रख के देखेंगे, तो क्या पीछे में माइनस गुणे है, माइनस और गुणे को पुट करना, ठीक है, 73 माइनस को क्या करना है, गुणे 13, और गुणे को क्या करना है, माइनस 42 और डिवाइड बाय 14 प्लस 56 बराबर 56। तो देखेंगे इससे आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे माइनस 3 प्लस 56, ये 56 आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि ये संख्या अभी बहुत बड़ी हो रही है, 73 × 13। हम नेक्स्ट पीछे से चेक करें, 73 माइनस की जगह क्या लिखना था, प्लस 13 × 42 डिवाइड बाई 14, प्लस की जगह क्या लिखना था, प्लस माइनस को चेंज करना था, प्लस की जगह माइनस लिख देंगे,
माइनस कितना था, 56, बराबर 56 आना चाहिए तो हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोर्ड मास्क रूल पढ़े होंगे, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं, जब ब्रैकेट और ओपन हो तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 14 3 42 73 प्लस कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 3 × 13 कितना हो जाएगा, 39 माइनस 56। तो हम इनको पहले प्लस प्लस को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 9 3 12 7 3 10 11 माइनस 56 बराबर 56। तो हमारे यहाँ से 112 में 56 जाएंगे, कितना हो जाएगा, 56 ही आ जाएगा, हमारा 56 बराबर 56 हो गया। तो मतलब ये समीकरण हमारा ऑप्शन नंबर सी से संतुष्ट होता है, मतलब माइनस की जगह प्लस करना हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो जैसे आप करते, जैसे आप पहले क्वेश्चन से करते, पहले ऑप्शन से, तो आपको पहला वाला चेक करना पड़ता, दूसरा वाला करना पड़ता, फिर तीसरे में आता, ठीक है, तो आपको 3 स्टेप करने होते, 3 ऑप्शन चेक करना पड़ता। लेकिन हमने पीछे से किया तो हमें केवल कितने करने पड़े, 2। देखो हमने कम से कम 15 सेकंड का टाइम हमने क्या किया, सेव कर लिया। ऐसे ही एग्जाम में करना पड़ता, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 7 6 3 48 4 9 8 63 2 5 7 क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो हम देखेंगे कि सब किस तरह बड़ी संख्याएं हैं। तो उस जैसे 48 इस तरह बड़ी संख्याएं हैं, तो हम इन तीनों को मिला के 48 बनाएंगे, ठीक है। जैसे 63 बड़ी है, तो इन तीनों को मिला के बनाएंगे, और 2 5 7 को मिला के बनाएंगे, कैसे बनी है ये दोनों, ठीक है। अगर नीचे साइड बड़ी होती तो ऊर्ध्वाधर में लेते, इस तरह में लेते कि कैसे बनेंगे। लेकिन इस साइड बड़ी हैं, राइट साइड संख्याएँ, तो हम उस तरह बनाएंगे, ठीक है। तो हम 7 6 3 को 48 कैसे बनाएंगे, पहले प्रयास करते हैं हम। सबसे पहले हम करेंगे क्या करेंगे, पहले इन तीनों को क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए ऐड कर लेंगे। तो 7 6 13 3 16 और हमारा दिया गया है कितना, 48। तो 48 16 3 48, 16 × 3 क्या होगा, 48 हो जाएगा, 16 × 3 = करेंगे। इस तरह दूसरे में देखेंगे 4 9 8 और 63, 4 9 8 कुछ 63 लिखा हुआ, 9 4 13 होता है, 13 8 कितना होता है, 21 21 × 3 कर देंगे, हमारा 63 आ जाएगा। अब ये तो दोनों में ये सेम नियम फॉलो किया कि तीन संख्याओं को ऐड करने के बाद 3 का गुणा कर रहा है, दोनों में फॉलो हो गया, तो हमारे तीसरे में भी यही रूल लग जाएगा, 2 + 5 और 7 7 7 14 14 × 3 कर देंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 42, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, राइट आंसर 42। तो हमारे बाद देखेंगे, अब हम आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं। तो होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या से उस प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या से दूसरी संख्या संबंधित है। तो आप इस क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं घर से करके मतलब कमेंट में आंसर ज़रूर देंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।